Jump in 4.6. A straight wire carrying a current of 12 ampere is bent into a semicircular arc of radius 2 cm as shown in figure 4.13a. इस फिगर में ऐसा कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क. इस आर्क का जो सेंटर होगा सी, उस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. ए पार्ट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट्स. ये जो स्ट्रेट वायर दिख रहे हैं, इस स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पर वो बताना है. बी पार्ट, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ ए सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेम्बल्स. अब सेमी सर्कुलर लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका हमें कंट्रीब्यूशन बताना है, वो किस तरह से प्रोड्यूस होगा. सी पार्ट, व्हाट वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर वेंट इनटू द सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द अपोजिट वे एज शोन इन द फिगर. ये इसमें सिखाया गया है. तो सिंपल सी बात है, इसमें डायरेक्शन और इसमें डायरेक्शन. यहाँ डायरेक्शन क्लॉक वाइज है और यहाँ डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज. तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा क्योंकि करंट सेम है, रेडियस भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा. इसको समझते हैं कैसे, डायरेक्शन अपोजिट होगा. तो ए पार्ट में हमें बताना है स्ट्रेट पार्ट की वजह से, जो ये स्ट्रेट वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड आपको डिफाइन करना है. ये एग्जांपल 4.6 का ये पार्ट का डायग्राम है. ए पार्ट में आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसको डिफाइन करना है आपको. ये पार्ट के अंदर वायर सेवर्ट लॉ से हम इसे डिफाइन करेंगे. ये वायर है, इसमें ये स्मॉल करंट एलिमेंट IDL है, ये सेंटर सी है. वायर सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमें करंट एलिमेंट IDL और R वेक्टर करंट एलिमेंट से उस पॉइंट जहाँ पर आपको फील्ड डिफाइन करनी है, उस फील्ड उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसे कहते हैं वेक्टर आर. तो आपको IDL और आर के बीच का एंगल लेना होता है. वायर सेवर्ट लॉ होता है म्यू नॉट अपॉन 4π IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ जो थीटा होता है ये थीटा IDL करंट एलिमेंट IDL और पोजीशन वेक्टर आर के बीच का एंगल होता है. आप यहाँ देख रहे हैं कि IDL इस डायरेक्शन में है और C के लिए वेक्टर R जो IDL से C तक का पोजीशन को C तक की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा वो वेक्टर R भी इसी डायरेक्शन में होगा. तो यहाँ IDL और R दोनों के बीच का एंगल हो जाता है जी. अब इधर के वायर की बात करें तो यहाँ करंट एलिमेंट IDL का डायरेक्शन तो ऐसे ही है क्योंकि करंट ऐसे आकर ऐसे होता हुआ और इस डायरेक्शन में चला जा रहा है. तो करंट का डायरेक्शन तो IDL यही रहेगा, लेकिन अब इसके लिए पॉइंट सी पीछे है तो पोजीशन वेक्टर आर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. तो यहाँ IDL और आर के बीच का एंगल हो जाएगा 180. दोनों कंडीशन में साइन जीरो भी जीरो होता है और साइन 180 भी जीरो होता है. दोनों कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस एट सी ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ दिस फिगर बिकम्स जीरो, क्योंकि साइन थीटा में थीटा जीरो पुट करोगे तब भी जीरो आएगा और साइन 180 में पुट करोगे साइन 180 इसमें थीटा की जगह तब भी जीरो आएगा. तो इन दोनों पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा. बी वन एंड बी थ्री बोथ आर जीरो. इस पार्ट को मैंने वन नाम दिया है, सर्कुलर आर्क को टू दिया है और इसको थ्री. तो वन और थ्री दोनों का फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो जीरो होगा क्योंकि थीटा जीरो है और यहाँ पर थीटा 180 है. थीटा जीरो हो या थीटा 180 हो, साइन जीरो और साइन 180 दोनों की वैल्यू जीरो होगी. अब बात करते हैं सेमी सर्किल. सेमी सर्किल के लिए करंट एलिमेंट IDL और R के बीच का एंगल हर जगह 90 डिग्री होगा. ये सेमी सर्कल रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ.
मैं तीन जगह दिखाई है। वैसे तो हम इस सेमी सर्कल को इनफिनाइट स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ तीन आइडियल, एक आइडियल इधर और एक आइडियल इधर, तीन इन्फिनाइट स्मॉल सेगमेंट मैंने ले लिए हैं। इधर आइडियल पर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ये है और आर का डायरेक्शन ये है, क्योंकि सेंटर पर हमें फाइंड करना है। तो ये आइडियल टेंजेंशियल डायरेक्शन है और टेंजेंट हमेशा यहाँ रेडियस वेक्टर से 90 का एंगल बनाती है। टेंजेंट का एंगल रेडियस वेक्टर से हमेशा 90 होता है। ऐसे ही इधर आइडियल करंट एलिमेंट का डायरेक्शन इस टेंजेंशियल इस टेंजेंट पर है और वेक्टर आर ये है, तो इधर भी एंगल 90 होगा। और यहाँ पर करंट एलिमेंट आइडियल इस डायरेक्शन में है तो आर इधर, यहाँ भी एंगल 90 आ रहा है। और भी अगर हम इस सेमी सर्कुलर आर्क पर कहीं पर भी कोई भी करंट एलिमेंट लेते हैं तो उसका वेक्टर आर के साथ एंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ हर जगह आइडियल साइन 90 का यूज होगा। बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स मैंने ले लिए, हर स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उन सभी का मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा। कैसे? आइडियल क्रॉस आर, इसमें फॉर्मूला होता है आइडियल क्रॉस आर। आप जानते हैं कि बायो सेवर्ट लॉ में आइडियल क्रॉस आर आता है। तो आइडियल डीएल वेक्टर आइडियल करंट एलिमेंट से आर की तरफ आपको घूमना होता है। अब आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको फिंगर्स को आइडियल डायरेक्शन में ले जाकर और फिर आर की तरफ मोड़ देना होगा। जैसे आप अपनी फिंगर्स को आइडियल पर ले जाकर और आर की तरफ मोड़ देंगे तो आप देखेंगे थंब नीचे आ रहा है। इसकी रूल जो होता है आइडियल को फिंगर्स को पहले आइडियल के डायरेक्शन में ले गए और फिर आर की तरफ मोड़ दिए तो थंब नीचे आएगा। जैसे अगर ये डायरेक्शन आइडियल का इधर होता, सपोज कीजिए आइडियल का डायरेक्शन नीचे होता, तो मैं फिंगर्स को आइडियल की तरफ ले जाकर ऐसे आइडियल पर ले जाकर और फिर आर की तरफ ऐसे टर्न कर देता ऐसे, तो थंब कहाँ था? ऊपर। लेकिन यहाँ आइडियल इधर है और आर नीचे है, तो हमारा थंब उसका डायरेक्शन थंब बताएगा इसको वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द प्लेन, ऐसे अंदर की तरफ बताएगा इसको, मतलब आइडियल क्रॉस आर। यहाँ पर भी आइडियल और क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर। तो ये तीन हर जगह पर डायरेक्शन कहाँ आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ आएगा, जैसे हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन प्लेन में अंदर जा रहा है, ऐसे अंदर, यहाँ से अंदर जा रहा है, तो उसको आप क्रॉस से शो करते हैं। और अगर बाहर आ रहा है ऊपर, तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जब अंदर आएगा तो क्रॉस और बाहर आएगा प्लेन से तो डॉट होगा। आइडियल क्रॉस आर का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट आइडियल की डायरेक्शन से आर की तरफ टर्न करना है, तो आप देखेंगे कि आपका थंब इनवर्ड नीचे की ओर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगा वो क्रॉस आएगा। ये सभी एलिमेंट, इसका भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन यानी प्लेन में अंदर की ओर है, इसका भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, इसका भी डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, और जितने भी एलिमेंट आप इस वजह से लोगे उन सबका डायरेक्शन इनटू द प्लेन आएगा। तो फाइनली इन सभी पार्ट को ऐड कर देंगे तो बी सी हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी। और बायो सेवर्ट लॉ होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन यह थीटा 90 डिग्री है, तो यहाँ से आप लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर हमने बाहर कर दिया, डी एल बचा, इंटीग्रेशन डी एल साइन 91 होगी। डी एल सेमी सर्कुलर आर्क के लिए जो डी एल की वैल्यू होगी वो हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस होगी, सर्कमफ्रेंस 2πr होती है लेकिन वो कंप्लीट सर्किल की होती है, ये सेमी सर्किल है तो यहाँ पर पाई आर यूज करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 4r, बी सी इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और डायरेक्शन होगा इनटू द प्लेन, प्लेन में अंदर। अभी इस डायरेक्शन को मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ।
वन पार्ट था, ये टू पार्ट था, ये थ्री पार्ट था। आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं BC इक्वल B1 प्लस B2 प्लस B3। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर B1 एंड B3 बिकम जीरो फॉर सेमी सर्किल। कंप्लीट सर्किल के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और यहाँ सेमी सर्किल है तो इसके लिए होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4R। ध्यान रखना है पूरा सर्किल होता, पूरा लूप होता तो उसके लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2R, और हाफ है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R। और यहाँ अगर क्लॉकवाइज करंट है तो डायरेक्शन क्रॉस होगा, यानी कि इनटू द प्लेन, प्लेन पेपर में अंदर की तरफ अंदर जा रहा होगा। और अगर ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो यहाँ डॉट आएगा, डॉट का मतलब पेपर में से बाहर आ रहा है, पेपर के अंदर से निकलकर ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, और ये क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसलिए क्रॉस आएगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहाँ डॉट आएगा। इसको निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका वही है कि फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करो, तो आप देखोगे कि आपका थंब नीचे की ओर आ रहा है। जैसे ये फिंगर्स को ऐसे करके मूव किया तो थंब नीचे जाएगा, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिंगर्स को जब आप ऐसे मूव करते तो थंब ऊपर की तरफ आएगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो ऐसे करके मूव करते ऊपर आता, ये है क्लॉकवाइज तो ऐसे मूव करेंगे तो थंब नीचे चलाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज पर दिखाते हैं, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो इस पर आपको इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे करंट इस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है इस तरह, थंब ऊपर आएगा, ये ऐसे जा रहा है करंट ऐसे, फिंगर्स को ऐसे रोटेट करना होगा तो थंब ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ डॉट डायरेक्शन। अदरवाइज सिंपल लर्न कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो डॉट और क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्रॉस। वैल्यू पुट कर दी, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁷, I 12, 4 इंटू आर की वैल्यू पुट कर दी। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल, पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाया दो जीरो बढ़ गई, सॉल्व कर लिया। अब इस डायरेक्शन सी में, सी के लिए B1 प्लस B2 प्लस B3, एज बी नो B1 एंड B3 बिकम जीरो। यहाँ पर सेम वही रहेगा लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए डायरेक्शन डॉट हो जाएगी, डॉट का मतलब प्लेन से ऊपर बाहर की तरफ, आंसर वही आएगा बट डायरेक्शन अपोजिट।